दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो आपको दिन रात हंसाते हैं। उनका परिचय के वो मोहताज भी नहीं है, क्योंकि वो परिचय तो अपना आप ही आप देखते ही पता चल जाएगा कौन है क्या है, लेकिन फिर भी मैं इनके मुंह से इनका परिचय करवा देता हूँ। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है, और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो भी परिचय है वो बताइए। पहले तो सभी को सुधीर शर्मा यूट्यूब चैनल के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के राम राम करना चाहूँ। और देखो सुधीर जी, बुरा नहीं मानो तो देखो मैं मायड़ बसा, पर कोई दिक्कत कौन साहब, मैं भी मायड़ ही रहूं प्रेजेंट किताब में। तो मेरा नाम दिलीप राजस्थानी है जी, मैं टेकपुड़ी को ही हूँ जी जी, और तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर है। अच्छा, और सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि कॉमेडियन को काम कब स्टार्ट करियो? कम से कम 3 साल होगी मन काम करता। नहीं, जो कोरोना काल चल रहा था ना, वो पहली से कर इशू पहली से। अच्छा, वो पहली तो मतलब आपका जगह अब जिया दर्शक है इसका कताक होगा था अंदाज यूट्यूब पर 50,000 का ऊपर। आपको यूट्यूब चैनल को नाम भी बताओ, मार्दस्कान जगह लाइक भी करे, शेयर भी करे, कॉमेंट भी करे। मेरा यूट्यूब चैनल को नाम है दिलीप राजस्थानी जी, और इंस्टाग्राम भी यूट्यूब इंस्टाग्राम है वो भी दिलीप राजस्थानी के नाम से जी जी, जितने भी प्लेटफॉर्म है सकला दिलीप राजस्थानी नाम से। तो सब जो कॉमेडियन को काम दे कर जाओ, दर्शक हंसा जाओ, मतलब लोग बहुत ही आज की दुनिया का मान टेंशन ही कोनी, आदमी जगले बजे हंसाओ उतना थोड़े तो टेंशन तो कम हो ना आदमी की, तो ते अकेला ही हो साथ में और भी सारे कोई। हमारी पूरी टीम है, मैं 6 सदस्य यहाँ। अच्छा, सकला अलग अलग गाँव से हूँ। अच्छा, और टीम एक अकेलो आदमी की जी, 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 टीम बना जाना वो निचोड़ नहीं पड़ेगी जी जी। और हसानो देखो, ये है कि आजकल टेंशन भरी दुनिया से सकला परेशान हो गया, और मैं वो फील्ड चुनियो के, और मैं सौभाग्यशाली मानू की वो फील्ड चुनियो। अच्छा, क्योंकि असानो हर कोई का बस की बात हो। देखो आजकल आदमी रुआज रूप चुका है, लेकिन असाक हो चुका है, क्या की मुंडो सुख लो करता है तो वो आदमी दूसरों देख सी पोगी तो मत आने आज ये आपने जनब दिखा रहे होंगे क्या सवा जनब छोटे सा एक छोटी सी झलक भी दिखा दी मैं सब थोड़ा मार्दस का असार भी दिखाओ ने असार दिखाओ। हाँ देखो, मेरा करेक्टर पूरा ना वो दरोड़ा को है। अच्छा, तो मैं देखो सुधीर जी थाने बात बताऊ मैं क्या बताऊ मैं बता दे चुका था सुधीर जी, मैं मतलब माने तब रात ठेकर से दारू पियो। अच्छा, और मतलब सरकार को सुगड़ो सुनो गुरु फिर भी मन मान लो गावड़ी कुटे, तो मैं सुधीर से धान पूछो जी के सरकार के काम में बाधा डाल पाते ही सरकार के नुकसान करवा के चक्कर में अपन लोग आवड़ा दे होगे कनेंगे ना बताओ कितना ना साहब देखे ना हमारा जगह कॉमेडियन वहां को ढोल देखो दे यहाँ साहब है। अरे जनता जी मतलब कोई कई दिनों बीमार हो तो आदमी मैसेज दे जाते कि आज बीमार तो ये कट गया है, अरे यहाँ का आदमी चाहे खटे मिल सके है हमारे चैनल पर मिल सके यहाँ का चैनल पर आज अब देख रहे वहां तो साहब कोई मार्दस का इनको करना चाहूँ फिर भी। मैं तो भाई कहना चाहूँ कि जितना भी भाई है देख रहे हैं चैनल ने, तो सुधीर जी सपोर्ट करो, आपका चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा। ये साहब मेरा तो करो थाला को भी बताओ जी। हाँ, और मेरा YouTube चैनल को नाम है दिलीप राजस्थानी, बिन भी थे सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो चौको लागे तो लाइक कर दिया। तो सब आज जिया थे आप वीडियो जो बनाओ हो तो एक वीडियो बना बन था ने एक दिन में बना लो कई दिन लाग गया? 3-4 दिन लगे। अच्छा, और बिकमा बाद में एडिट हुए, एडिटिंग में टाइम लगे, और फिर बाद में निचोड़ निकल गया, मतलब 1 वीक तो लाग ही गया। और शॉर्ट वीडियो शूट करा अभी कमाया मतलब 2 दिन लाग गए। तो ये लोकेशन भी तो देखनी पड़ेगी कि भाई लोकेशन कटे अब जी आपके बार में देख रहे हो साहब बार में तो आगे मिल पाने आया तो लोकेशन पर चला गया वीडियो शूट कर पा जी आज तो खटे खटे नहीं जो थे आज तो लोकेशन दिखनी चाहिए फिर आपका तो गाता बाता भी चाल बल आ गया है तो साहब अटे कुछ लोकेशन मिली मान तो लोकेशन आज ये मान लो के बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आज स्वर्ग में आया था। अच्छा, तो बात आ है कि लोकेशन मिल जाना कलाकार के ऑटोमेटिक ही मान लो यहाँ पटाखे का गुरु बन जाए। कोई भी जो दर्शक हो है बिना अगर मंच मिल जाए तो बिका पगा मत ही घूंगा बन जाए वो आज आज मेरे घर में केकड़ी हूँ वो नाच रही हूँ गा रही हूँ केकड़ी हूँ तो मैं
तो कई साल हो गए थे नाश्ता करता हूँ। हाँ काफी दिन होगा और स्ट्रगल चल रही है फिर भी, क्योंकि आदमी स्ट्रगल करे ना बहुत सी चीज। साहब थे कि कोई पिक्चर में काम करे है? हाँ पिक्चर में रोल है। अच्छा, और दूल्हे का आटा साटा जो मूवी आ रही है उसमें दूल्हे का रोल किया है। तो सर इस पिक्चर के बारे में आप कुछ कहेंगे? ये सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है और ये जो प्रथा है उसके खिलाफ मैं हूँ। अच्छा। और मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी कौन करूँ। अच्छा। और यह प्रथा है यह बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो आपको जो इस स्टेज पे आज मतलब आज हम पहुंचाए इनको किन सबों को सपोर्ट मानो थे? देखो सपोर्ट तो जगामन ने सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं जो तो वो तो है ही। और आपका घर जगह आपका घर में बता दो बता दो। घर में देखो पापा हाँ देखा एजुकेशन से जुड़े रहे हैं। अच्छा। टीचर हाँ लेक्चरर हाँ। तो भैया चाहे कि देखो सगड़ा का माँ बाप है चाहे क्या मतलब मेरा बेटा कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ सही बात है, लेकिन मैंने इस फील्ड में नहीं जाके मैंने मजो ही कमाया हूँ भाई। अपन लोग ना सुनो चाहे एंटरटेन करना चाहिए तो सबसे मतलब पापा तो मतलब हाँ एज ए मतलब करंट लाग रहे हाँ कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट करो बा मेरे घरवाली करो मतलब जी हाँ थे वो काम स्टार्ट करी क्यों तेरे पहले शादी हो चुकी है? हाँ मेरी शादी हो चुकी है। जी हाँ थे जी हाँ भाई आता क्या कहता भाई घरा जाता था कौन भाई? हाँ हाँ कह गए मैं मतलब मजाक तो करता ही रहता हूँ कह के नहीं थे वो मतलब था वो सूट हुआ तो वो काम कर लो ना। अच्छा। आज भी मतलब मैंने कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो मेरे से ज्यादा मन खुशी हुआ कि नहीं आज मेरी वजह से वन चीज मिल रही है। अच्छा। और मतलब बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने हमारे घर वाले तो सपोर्ट करे। धन्यवाद।